मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस की जेलों में हुआ था, जहां से श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को रात के अंधेरे में नंद बाबा के यहां गोकुल ले गए और उसके बाद मामा कंस के अत्याचारों से तंग आकर नंद बाबा अपने कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन धाम में रहने आ गए। यहां श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान हैं। वृंदावन धाम यात्रा के 13वें एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन स्थान के दर्शन कराने आपको लेकर आए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। वृंदावन के 13वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े एक और स्थान पर, जिसका नाम है कालियादह। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। तो कालिया नाग के बारे में आपको मैं अभी अंदर चल के पूरी कहानी विस्तार से बताने वाला हूँ। तो पहले ये स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर वो कदम का बहुत पुराना वृक्ष भी है, जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण जी यमुना के अंदर कूदे थे, और यमुना के अंदर जो विषैला सर्प था कालिया नाग, उससे युद्ध किया था। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं वही पुराना स्थान, प्राचीन स्थान है ये। तो ये है कालियादह घाट का वो स्थान। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पहले यमुना जी यहाँ बहा करती थी। तो आप देख सकते हैं ये वही प्राचीन स्थान है। यहाँ आप देख सकते हैं ये श्री कृष्ण जी कालिया नाग के ऊपर किस तरह से ये नृत्य कर रहे हैं, और कालिया नाग की जो पत्नियाँ हैं, जो दासियाँ हैं, वो के चारों तरफ हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं कि कालिया नाग को क्षमा कर दें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वह वृक्ष, जो काफ़ी प्राचीन वृक्ष है। ये कदम का वृक्ष है, और माना जाता है कि ये वृक्ष उसी समय का है, कृष्णकालीन है। लगभग 5000 वर्ष पुराना इस वृक्ष को बताया जाता है। आप देख सकते हैं इसकी जो शाखा है, कितनी बड़ी शाखा है, और मेरे हिसाब में इतना बड़ा वृक्ष शायद आपने देखा नहीं होगा। तो इसी वृक्ष की डाली पर चढ़कर श्री कृष्ण जी यमुना के अंदर कूदे थे, और अभी इसको जो पक्का कर दिया है, पहले यमुना जी यहाँ बहा करती थी। आप देख सकते हैं कितना विशाल वृक्ष है ये। और ये देखिए, इस प्रांगण के अंदर यहाँ भी कालिया नाग का यहाँ दृश्य दिखाया गया है, ये प्रतिमा है। और इधर आप देखिए इसी वृक्ष की जो जड़ें हैं, कितनी नीचे से निकल के आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ तक जा रही होंगी। आगे जब हम चलते हैं तो आप यहां देख सकते हैं इस वृक्ष की डाली पर लोगों ने कुछ रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं। कुछ मनोकामनाएं मांगते हैं लोग, जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो ये रक्षा सूत्र को खोलने के लिए आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहां रक्षा सूत्र बांधने से जो भी कोई मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य पूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये कालियादह का दृश्य मैंने आपको बताया है। ये कदम का वृक्ष बहुत पुराना, जब ही का श्री कृष्ण भगवान ने जब कालिया गेंद चली गई, इस पर चढ़ के एकदम कूद के काली नाथा था, यही वृक्ष है।
अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है उससे भी प्राचीन स्थान है। यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, सौरभ ऋषि। तो एक समय जब समुद्र मंथन के दौरान जब गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो इसी वृक्ष पर उन्होंने अमृत कलश को रखा था और इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। तो विश्राम के दौरान उन्हें भूख लग रही थी, तो यहाँ यमुना नदी बहा करती थी। आगे आइए, यहाँ यमुना नदी बहा करती थी। तो यमुना जी के अंदर गरुड़ जी अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ मछलियों को खाने लगे थे। तब वो मछलियाँ सौरभ ऋषि के पास में गईं और उन्होंने कर उनसे विनती की कि हमें बचाइए गरुड़ जी से। तब सौरभ ऋषि ने गरुड़ को एक श्राप दिया था कि आप इस स्थान को छोड़ के चले जाइए और इस स्थान पर आप कभी नहीं आओगे। तो इस वजह से यहाँ पर गरुड़ नहीं आते थे। तो जब कालिया नाग को यहाँ कंस ने भेजा था, तो कंस ने बताया था कि एक ऐसा स्थान है वृंदावन में, यहाँ पर गरुड़ आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये वही स्थान है, यहाँ पर कालिया नाग ने अपना निवास बनाया था और यहीं पर वो रहता था। और पूरी जो यमुना नदी थी, उस यमुना नदी में उसने विष को छोड़ना शुरू कर दिया और जो भी गाय वगैरह आती थी, जो भी जानवर आते थे, उनको वो खा जाता था। तो इससे ब्रजवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। कृष्ण जी को इस बारे में पता चला, तो कृष्ण जी ने एक उपाय बनाया कि यहाँ इसी तट के ऊपर कृष्ण जी अपने जो सखा थे और जो राधा जी के बड़े भाई श्रीदामा जी थे, तो उनके साथ में यहाँ गेंद खेल रहे थे। तो श्रीदामा जी की गेंद को उन्होंने खुद जानबूझ के यमुना के अंदर फेंक दिया। तो श्रीदामा जिद करने लगे कि मुझे तो वही गेंद चाहिए। तो इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर कृष्ण जी यमुना के अंदर कूदे थे। उस समय यहाँ यमुना नदी बहा करती थी। तो उसके बाद में जो कालिया नाग था वो नीचे बैठा हुआ था कुंडली मार के, तो उसकी जो कुंडली थी उसमें वो गेंद चली गई थी। तो उस समय वहाँ पर फिर कृष्ण जी ने उससे कालिया नाग से युद्ध किया था। युद्ध के दौरान जब वो कालिया नाग हार गया था श्री कृष्ण जी से, तो कृष्ण जी उसके फन के ऊपर सवार हो गए और सवार होने के बाद में जो उसकी पटरानियाँ थीं कालिया नाग की, वो उससे विनती करने लगी कि भगवान इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो उसके बाद में जब वो नृत्य करते हुए फन के ऊपर जब ऊपर आए थे, तो सारे ब्रजवासी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे और माता यशोदा तो एक तरह से मूर्छित ही हो गई थी कि अब क्या होगा लल्ला का। तो इस तरह से फिर इसके बाद में ये जो कालिया नाग है वो कहाँ गया, वो बताते हैं कि वो एक देश है फिजी, तो हाँ फिजी में रमणद्वीप स्थान है, तो रमणद्वीप स्थान पर वो चला गया था। तो इस तरह की यहाँ घटना इस स्थान से जुड़ी हुई है, यही वो प्राचीन स्थान है, आप देख सकते हैं। इसलिए वो गुरुपक्ष जब आया अमृत कलश भांडण लेके, इसमें राख के विश्राम करा था, थोड़ा अमृत कलश को यहाँ रखा था, इसलिए ये चारी जुग अमर हो गया। ये प्रकट ये साक्षात इसे साथ परिक्रमा कर लो, पानी डाल लो, ये जमुना प्रकट, वृंदावन प्रकट, वृंदावन रज प्रकट, रोजा रज हमारे रज वृंदावन माटी, वो सुना चे दाम वैष्णव के पास। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। पहले भी आते थे आप बंगाल से? बहुत पहले से, 40 साल पहले से आए यहाँ हम, तो दिखा ये दिखा स्वरूप है ना, 40 साल पहले से ही यहीं से। कितने व्यक्ति हो आए हो आप वहाँ से? सात व्यक्ति। आप भी इनके साथ में हैं? ये वृंदावन जैसा कहाँ कोई मिलेगा नहीं, ये वृंदावन गोलोक वैकुंठ धाम, भगवान अभिराम विराजमान, अभिराम। तो श्री कृष्ण जी ने प्रेम का संदेश दिया था और वो आज भी लोगों के हृदय में समाहित है।
कालिया दह स्थान का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।